इंडेक्स इंडिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही हर्ष के साथ कह रहा हूँ आप सबको कि 26 जनवरी की मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक निडर स्वतंत्रता सेनानी की वजह से 15 अगस्त 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो एक देश बन गया। लेकिन वर्ष 1950 में 26 जनवरी के दिन से ही हम हर वर्ष को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, 24 बराबर तीलियों के साथ साथ मध्य में एक चक्र भी है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सभी 3 रंगों का अपना एक अलग महत्व और अर्थ भी है। सबसे ऊपर का रंग केसरिया रंग है, हमारे देश की मजबूती और हिम्मत को दिखाता है। मध्य का जो रंग है वो सफेद कलर का है, यानी शांति को दर्शाता है और प्रदर्शित करता है। जबकि सबसे नीचे का हरा रंग है, वृद्धि और समृद्धि की ओर इशारा करता है और हमें यह प्रेरणा देता है कि हमेशा हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ध्वज के जो मध्य में है 24 बराबर तिल्लियों वाला एक नेवी नीले रंग का चक्र है, जो महान राजा अशोक के धर्म चक्र को प्रदर्शित करता है। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1950 में ही इसी दिन यानी कि 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। गणतंत्र दिवस के उत्सव में इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली में राजपथ पर भारत सरकार द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जाता है। इस आयोजन पे देश विदेश हर जगह की बड़ी मीडिया उपलब्ध होती है और सबकी नज़र इस आयोजन पे रहता है। हर साल इस उत्सव की चमक को बढ़ाने के साथ साथ ही अतिथि देवो भव के कथन के उद्देश्य का पूरा करने के लिए मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं या कोई भी रहता है उनको बुलाया जाता है। भारतीय सेना इस अवसर पर परेड के साथ साथ वो अपने शौर्य का प्रदर्शन भी करती है और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी देती है। भारत में विविधता में एकता को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग राज्यों के द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा की एक बड़ी प्रदर्शनी भी दिखाई जाती है। इस बार का जो थीम है वो गांधी पे है, यानी गांधी थीम को ज्यादा उस पे फोकस किया जाएगा। इस बार का जो थीम है वह गांधी पे है। एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि अगर आप कहीं भी देखते हैं किसी बच्चे को तिरंगा लेकर के आते हुए रोड पे, जो कि आपको बोलेगा कि ये तिरंगा ले लीजिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप उससे तिरंगा ना ले, तिरंगा बिना लिए ही उसको पैसे दे दें, क्योंकि इसके पीछे लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है। मेरा यह मानना है कि हमारी औकात नहीं है कि हम तिरंगे को खरीद सके, तो मैं ये कहूँगा कि उस बच्चे से आप तिरंगे न खरीदें। अगर देना है तो वैसे ही पैसे दे दें, क्योंकि इससे पीछे बहुत बड़ा रैकेट काम करता है और ऐसे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल के थ्रू तिरंगे को बेचा जाता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि किसी भी नाबालिग बच्चे से आप तिरंगे को ना खरीदें। अगर आपको तिरंगा खरीदना है तो किसी शॉप से ही खरीदें और लगाएं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।